आप सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें घर बैठे, जैसे SI, रेलवे, फॉरेस्ट, व्यापम, पटवारी, SSC, ABM, PSC, PRE तक की डाउनलोड करें शर्मा क्लासेस ऑनलाइन कोचिंग ऐप। सरकार किसानों की सुविधाओं के लिए कई योजनाएं चलाती है और उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, ये बात भी अक्सर कही जाती है। लेकिन सागर जिले के बांदरी क्षेत्र की मंडी में ऐसा नज़ारा देखने को मिला, जहां सेवन खरीदी केंद्र में किसान खुद ही पल्लेदार बन गए। जानकारी के मुताबिक बांदरी की मंडी में दो केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से सेवन खरीदी केंद्र में किसानों का ये हाल है। उनका आरोप है कि वो खुद ही तौल करते हैं, पल्लेदारों का कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ हैं। दिन भर धूप में बैठने से अच्छा है कि हम लोग खुद ही तौल कर लें। किसानों का ये भी आरोप है कि जब मंडी प्रभारी से जल्दी जाने का बोलते हैं तो उनका कहना होता है कि खुद ही तौल लो। आप लोग किसानों को पल्लेदार, किसान तौल रहे हैं, पल्लेदार की व्यवस्था नहीं की गई उन्होंने? कहाँ आप लोग तो रहे किसान हो के बताओ, तो मैं किसानों को पल्लेदार, तो पल्लेदार की व्यवस्था नहीं है यहाँ? क्या तुम लोग कब से तोड़ रहे हैं? किसी कौन किया? आप ही किया किसी? आप ही कहा तोड़ रहा है? और उनसे पूछिए, आपने बताई क्या बोल रहा है वो? वही मंडी प्रभारी का कहना है कि हमारे पास 8 लोग हैं जो काम कर रहे हैं। मंडी प्रभारी ये सब बता रही हैं, जबकि देखने में तो ऐसा कुछ भी मालूम नहीं हुआ। 8 आदमी लगे हुए हैं। हाँ। लेकिन इसमें 8 में से आपको एक काम चाहिए, देखा एक बोल रहे पानी पीने का, हम ही तोड़ रहे 1 घंटे 1.5 घंटे से, उनका क्या पूरे में अलग अलग किसानों के पास। तो आप तो यहाँ बैठे, आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है? कहीं लिखा है कि आपके लिए चौकीदार भी होना चाहिए। चौकीदार है हमारे, सब आपका बिल उतर लगे हैं तो उनको करवाएगा, कौन हो करवाएगा? और आपको पैसा ही मिल रहा सरकारी तरफ, लेकिन आप एक भी पल इतना दो। हम तो यहाँ 1:30 बजे नहीं आए, हम 4 बजे आए हैं, खाना का भी टाइम हो चुका, उनका लंच का भी टाइम हो चुका, लेकिन एक ही पल्लेदार नहीं दिखा मेरे को। पल्लेदार तो हमारे पास है, देखो चलो बता रहे आपको कितने पल्लेदार है हमारे। दिखाने से क्या होता है? अब हम मौजूद बाका गए थे, ट्रैक्टर गए थे, किसान अभी भी भर रहे हैं, उनसे जब पूछा गया तो बोल रहे हैं कि हम लोग तो 1 घंटे भर रहे, कुछ नहीं है। अब जो लोग ज्यादा जल्दी उलाते तो भी अपन भर लेते हैं, बाकी हमारे पल्लेदार हैं, एक एक आदमी को तोल सकते। ठीक है। वहीं इस मामले में जब SDM CL वर्मा से फोन पर जानकारी लेना चाहिए तो वो उखड़ गए और बोले कि अगर किसान ऐसा कर रहे हैं तो इसमें बुरा क्या है, इसमें क्या गलत है कि अगर किसानों ने माल तोल लिया इसमें क्षति क्या है? मतलब अगर किसान परेशान होता है तो होता रहे, किसी को कोई परवाह नहीं है, जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से बचते रहें और ये बोलें कि इसमें क्या बुरा है। नहीं तो क्या है, सब क्या है, वो उनको शौक होगा, कर रहे हैं, अपना माल तलवा रहे, क्या दिक्कत है इसमें? सर वही तो, अगर कोई किसान अपना माल लाया है तो वो माल तलवा रहा है तो क्या गलत कर रहा है? तलवा नहीं रहा है सर, खुद तोल रहा है, पल्लेदार है नहीं है सर वहाँ पे। खुद तोले में क्या है, अगर वो उसने मदद कर दिया होगा, अपना माल खुद तलवा रहा है, अच्छी बात है, वो गलत न तोले, इसलिए बढ़िया है। उसको आरोप लगा रहा है सर, वो खुशी से नहीं तोल रहे हैं अपना, उनका ये कहना है कि पल्लेदार सुन नहीं रहे हैं। जो उनको अगर भरोसा नहीं है, अगर खुद ताल के रख दिया तो बड़ी अच्छी बात है, किसान का नुकसान नहीं होना चाहिए, वो संतुष्ट होना चाहिए। वो अपना माल तोड़ रहा है, किसी दूसरे का तो थोड़ी तोड़ रहा है, दूसरे का तोड़ रहा है तो फिर वो मजदूरी कर रहे होंगे। अनियमितता यही है सर की उसमें, आप जिम्मेदार अगर नहीं काम करेंगे तो फिर कैसे सर काम होगा? काय के जिम्मेदार, कौन से जिम्मेदार? किसानों को सुविधा फिर क्या दी जा रही है ऐसे में? सुविधा किसान अगर चाह रहा है कि भाई, किसान अगर चाह रहा है कि हम अपना माल हम खुद तोल के दे दे रहे उसको संतुष्टि के साथ, तो क्या बुरा है? नहीं सर वही तो आपको बता रहा हूँ कि वो खुशी से थोड़ी तोल रहा है, वो इसलिए तोल रहा है कि दिन भर धूप में, उनको कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा होगा, वो अगर किसान तोल रहा है हाँ तो सर आप एक काम अपनी मर्जी से अगर संतुष्टि के लिए तोल रहा तो अब उसमें बताओ क्या कर सकते हैं कौन के लिए। वहीं आगे अगर किसानों को और भी परेशानी होती है तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? बांदरी से सुरेश रैकबार, सागर टीवी न्यूज। आप सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें घर बैठे, जैसे SI, रेलवे, फॉरेस्ट, व्यापम, पटवारी, SSC, ABM, PSC, PRE तक की डाउनलोड करें शर्मा क्लासेस ऑनलाइन कोचिंग ऐप।